गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर टर्निंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप सबका स्वागत है. बीआईए के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, डिक्की एंड बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आज का कार्यक्रम है ये स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए जो नए उद्योजक शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए आज खास मिनिस्ट्री के एंड से ये कार्यक्रम रखा गया है. इस कार्यक्रम के लिए हमने दिल्ली और मुंबई से काफी स्पेशल स्पीकर्स बुलाए हैं आप सबके लिए, जो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड आपको इस पूरी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निश्चय खेलगे जी को, जो डिक्की के वेस्टर्न रीजन के हेड है, टू ओके टू टेक चार्ज. धन्यवाद अभिजीत जी. आज की ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑन एमएसएमई सपोर्ट आउटरीच कैंपेन में आप सबका स्वागत है. ये जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ आयोजित किया है इसके लिए स्पेशल जो सपोर्ट हमको मिला है वो रिजर्व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अतुल पांडे साहब से मिला है. और बहुत सारे यहाँ पर हमारे अलाहाबाद बैंक से आए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी से कुछ ऑफिसर आए हुए हैं, डीजीएफटी से आए हुए हैं, एमएसएमई डीआई नागपुर से कुछ आए हुए हैं. तो आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ. और मंच पर जो उपस्थित है तो उनके स्वागत के लिए मैं आइए पांडे साहब का स्वागत कर रहे हैं अभिजीत जी, जो कोऑर्डिनेटर है इस कैंपेन के, और भारती साहब है जो जनरल मैनेजर है जीआईसी के, उनका स्वागत करेंगे अभिजीत जी. वेस्टर्न इंडिया डिक्की के फाइनेंशियल हेड विजय सोमकर जी का स्वागत करेंगे. इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री समीर भाकरे साहब का भी स्वागत करेंगे. इसी तरह मेरे कुलीग गोपाल वासनिक जो डिक्की विदर्भ चैप्टर के प्रेसिडेंट है उनका भी स्वागत करेंगे. एमएसएमई डीआई नागपुर से आए हुए हैं कुजनारे सर, उनका भी एक्सप्लोरल बुके देके सम्मान करेंगे. देविकर साहब डीजीएफटी से आए हुए हैं उनका भी स्वागत करेंगे. अलाहाबाद बैंक से आए हुए हमारे बैंकर्स है. एसबीआई से सर आए हुए हैं उनका भी स्वागत करेंगे. पीडब्ल्यूडी से बोरा साहब है उनका भी, ये भी हमारे मुंबई से आए हुए हैं आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करने वाले हैं. तो चलो थैंक यू. इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अतुल पांडे जी से गुजारिश करूंगा कि आज का ये प्रोग्राम शुरू करें और अपना वक्तव्य हुए यहाँ प्रस्तुत करें. पांडे साहब वर्कशॉप में, जो कि बहुत प्लानिंग के साथ और एक बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइज की गई है. आप सबको मालूम होगा कि इस समय
एक स्पेशल कैंपेन चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका उद्देश्य है कि जो बहुत समय से बहुत एक कमी महसूस की जा रही थी कि जो स्कीम्स हैं, जो छोटे उद्योगों के लिए जो बनाई गई योजनाएं हैं, उनका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। और उसका मूल कारण ये पाया गया कि उसमें एक कम्युनिकेशन गैप। स्कीम्स तो कागज पे बनी हुई हैं, गवर्नमेंट मशीनरी भी उसमें काम कर रही है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुश्किल से एक बहुत बड़ी रियलिटी है और बड़ी आई ओपनर है वो, कि 10% से ज्यादा उद्योजकों को या उद्योजिकाओं को ये जो स्कीम्स हैं उनके बारे में मालूम ही नहीं है, विच इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन फैक्ट। और ये बहुत समय रहते हुए गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने उसको एक मिशन के रूप में किया हुआ है। और हम नागपुरवासी हम एक प्रकार से अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए हमें, बिकॉज नागपुर डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग टेकन अप एज अ फोकस डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस एंटायर कैंपेन। और इस कारण से ये करीब करीब हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है, यहाँ के उद्योजकों को इसके ऊपर में, यहाँ के जो नए उद्योजक भी बैठे हुए हैं जो अपना स्टार्टअप या किसी प्रोजेक्ट के बारे में और खास करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सोच रहे हैं, हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। बिकॉज पूरे पूरे देश की हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना तो चाहिए ही, पर शायद इतने कम समय में 100 दिन में संभव नहीं। तो गवर्नमेंट ने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, उन्होंने कहा कि हम कुछ रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, लेट अस क्रिएट सम रोल मॉडल wherein with full intensity, with full focus, with total involvement of all stakeholders, including all the government departments, financial institutions, industrialists, industry associations, इन सबको साथ में लेके और हम एक blast जिसको कहेंगे, एक प्रकार से इतना effective और इतना sound making communication हम करें कि ये आवाज पहुंच सके और एक उत्सुकता इक्विजिटिवनेस जागृत हो हमारे उद्योजकों में। और ये जो सेशन है विशेषतः यहाँ इसका फोकस है जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैं, और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर में भी वो एंटरप्रेन्योर जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में दखलंदाजी रखते हैं या आगे अपनी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। राधा मैडम जो कि शी इज द जॉइंट सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन दिल्ली, ऐसे 100 जॉइंट सेक्रेटरीज असाइन किए गए हैं 100 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। वंस अगेन द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर पेनिट्रेशन, टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, टू इंश्योर दैट देयर आर टेंजिबल रिजल्ट्स टू बी सीन, नॉट सुपरफिशियली। आई वुड अंडरलाइन द वर्ड नॉट superficially. It's up to all of us जो ये वर्कशॉप में भाग लेने आए हुए हैं, उनके हाथ में है कि इसका कितना भरपूर सदुपयोग हम करते हैं। एटलीस्ट मैंने अपने जो कुछ भी मेरा एक्सपोजर है इंडस्ट्रीज का और एसोसिएशन में काम करने का, इतनी अच्छी मुस्तरी से, इतने अच्छे टीम वर्क से, इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ से मैंने कभी भी नहीं देखा है कि सारे स्टेक होल्डर्स, सारे डिपार्टमेंट्स साथ में मिलके एक कॉमन गोल के लिए भिड़े हुए हैं। यू हैव गैलेक्सी ऑफ यू नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स हु आर ऑल हियर, दे आर ऑल हियर जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर बेनिफिटेड। सिर्फ भाषणबाजी नहीं हो या कागजों पे जो वर्कशॉप सैकड़ों दर्जनों वर्कशॉप चलती रहती है सरकारी पैसों से, तो वो नहीं है, दैट इज बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट। आपका अधिकार है प्रश्न पूछने का, आपका अधिकार है अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाने का, आपका पूरा अधिकार है। यू विल बी ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, एक कॉमन लाइन आपको दी जाएगी कम्युनिकेशन के लिए, जहां आपको आपके प्रॉब्लम्स को भी बताना है, आपको कहां से सहयोग नहीं मिल रहा है वो भी आपको कम्युनिकेट करना है। एंड बिफोर आई मेक अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन दिस एंटायर, ये जो स्कीम के तहत आप सब यहाँ असेंबल हुए हैं, अपना बहुमूल्य
चार घंटा पांच घंटा यहाँ देने के लिए. इट इज गोइंग टू बी बम्बार्डमेंट ऑफ इनपुट्स फॉर यू. आप शायद अलग अलग न्यूज से या अलग अलग कम्युनिकेशन से शायद आप छह महीने में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं बटोर सकते जो आपको इन अ कंडेंस फॉर्म जो हैव इन फोर आवर्स. And it's been painstaking to learn. We have consultants coming all over Mumbai, Delhi, बड़े-बड़े bankers यहाँ कुछ बैठे हुए हैं और यहाँ जो representatives बैठे हुए हैं इनके सबसे seniors और उनके भी seniors monitor कर रहे हैं कि बैठे आपने क्या किया. आज 45 दिन हो गए, क्या किया आपने? आज 40 आज 50 दिन हो गए, आपने क्या किया? अब आप बताएं इससे बेहतर और क्या माहौल हो सकता है आपको फायदा देने. तो इन शब्दों के साथ ही आप भरपूर इसका सदुपयोग करें. मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको करूंगा कि एक्चुअली ये पूरी योजना जो है, ये पूरी कैंपेन जो चल रही है उसमें क्या क्या समावेश है. ये दिस इज द स्कीम विच देयर आर करीब करीब 6.3 करोड़ एसएमईज हैं पूरे हमारे यहाँ पे देश में, जिसमें करीब 11 करोड़ is the largest employer, more than two-thirds, almost 70-75% 80% employment जो देश का आता है वो small scale, micro, small and medium enterprises देती हैं. ये एक बहुत बड़ा fact है जो कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या अहमियत है. हम छोटे उद्योग वाले हैं पर छोटे उद्योग वालों की अहमियत कोई बड़े उद्योग से कम नहीं है, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो है एम्प्लॉयमेंट, जनरल एम्प्लॉयमेंट. ये 100 डेज में क्या क्या आपके लिए डिलीवरेबल, सिर्फ डिलीवरी होना है आपको. आप एक बाजार में जाते हैं, आप कुछ इंडेंट करते हैं या आप किसी पोर्टल पे जाते हैं, आप इंडेंट करते हैं, यू गेट अ डिलीवरी एट योर डोरस्टेप. सो द ओपनिंग सेंटेंस इटसेल्फ इज डिलीवरी, भाषणबाजी नहीं. द ऑब्जेक्टिव इज डिलीवरी. Tangent results in terms of how many industries have come, how many people have got their bank loan sanctions, what has been the quality of input which is going to the target audience. So, और हम आगे बढ़ें. ये जो monitoring हो रही है, ये monitoring आप देखेंगे कि करीब करीब तीन अलग अलग areas में focus है. सबसे पहले आप देखेंगे कि ईज एंड एक्सेस टू क्रेडिट. किसी भी नए उद्योजक का कोई नई इंडस्ट्री डाल रहा है और फूड प्रोसेसिंग जैसे एक पोटेंट सेक्टर में जो कि नागपुर के लिए, मैं एक और बात आपको बताना भूल गया कि नागपुर आइडेंटिफाई किया गया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए स्पेशल फोकस के लिए. यानी सारी इंडस्ट्रीज को, सारे एमएसएमईज को तो फायदा पहुंचाना ही पहुंचाना है, पर उसमें से भी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो एक इसको कहते हैं ना, आप ट्रेनें चलती हैं तो पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, पर दिस इज यू कैन से राजधानी एक्सप्रेस, दिस इज जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वहाँ के प्रॉब्लम्स, इश्यूज, उनका बैकअप सपोर्ट, नॉलेज इनपुट, उनके लिए टेक्नोलॉजी. और मैं आगे आपको बताऊंगा, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उस पर भी करूंगा कि हम जनवरी में एक बहुत अच्छा आयोजन भी हम करने जा रहे हैं. After this presentation, I'll tell you about that he was also in the IA. So, the first objective of this entire campaign is ease and access to credit. यानी कि आपको 59 minutes में आप upload करते हैं अपनी स्कीम को, बहुत बहुत minimum inputs हैं उसमें. सभी जगह ख्याल से 8-10 ही उसमें inputs हैं, उससे ज़्यादा नहीं है. GST, income tax, right. And that is of course applicable for existing industry. तो नए इंडस्ट्री के पास शायद जीएसटी नंबर भी नहीं होगा, उसके पास में कोई सिविल का रिकॉर्ड भी नहीं होगा, तो उतना ज्यादा शायद आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. पर आप में से जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी एक साल दो साल पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाली हुई है या कोई और इंडस्ट्री डाली हुई है, तो आपके लिए लोन सैंक्शन अप टू 1 करोड़ रुपीज इट्स पॉसिबल टू गेट ए इन प्रिंसिपल सैंक्शन इन 59 मिनट्स. आगे मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा. ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का ओल्ड अकाउंट्स हैं और वो सब मुद्रा योजना है, वो भी मुद्रा योजना के अगेन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है. और बाकी चीजें जो हैं, ये क्रेडिट एश्योरेंस है, बिल डिस्काउंटिंग का है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी के कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयज को लोन दे देगी,
लोन अभी इंश्योरेंस दे देगी वगैरह, ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कौशल विकास योजना वगैरह है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये आगे आ जाएगी। ईज ऑफ कैश फ्लो, ये जो जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, जो आपके बिल्स रहेंगे, जो आप अपना मटेरियल सेल करेंगे, उस पर डिस्काउंटिंग की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, इसके बारे में भी आगे आपको बता देगा। मार्केटिंग में जो गवर्नमेंट की परचेज प्रोग्राम हैं, वहाँ पर एक जेम पोर्टल बनाया गया है, उसके माध्यम से आप यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। आपको एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उस पर्टिकुलर आइटम की रिक्वायरमेंट जो भी गवर्नमेंट की आती है, जो कि बहुत बल्क में रहती है, ऑल ऑफ यू नो इट्स इन ह्यूज क्वांटिटी, एंड अगर ह्यूज क्वांटिटी है तो चार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। आपके लिए रिजर्वेशन भी हैं कुछ परसेंटेजेस के एमएसएमई के लिए, उसमें से भी विशेष एससी एसटी के लिए और स्पेशल रिजर्वेशन हैं, ये सब आपको बताया जाएगा आज कि आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे कर सकते हैं। देन जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करेंगे, चाहे चार एम्प्लॉयज हों या 40 हों या 400 हों, हाउ वुड दे, उनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाएगी, बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके बारे में भी आपको आज बताया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, अब मार्केटिंग के अंदर में चार इंडस्ट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, तो विच विल बी अ प्रेफर्ड प्रोडक्ट, प्रेफर्ड प्रोडक्ट विल बी वन विच विल बी हैविंग क्वालिटी मार्क। ISO सर्टिफिकेशन हैं उसमें, और भी सर्टिफिकेशन हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, ISI सर्टिफिकेशन भी हैं। तो ये सारे ये क्या हैं स्कीम्स, उसकी क्या हैं, और वो स्कीम्स को आपको रजिस्ट्रेशन अपने एक्रेडिटेशन पाने के लिए जो खर्चा आता है वो भी आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ये सारा आपको बताया जाएगा। सेक्टोरल मिनिस्ट्री इंटरवेंशन, जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित है। समाधान योजना है, आपके कुछ आपने बल्क में कोई मटेरियल सप्लाई किया गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को किया, या किसी बड़ी इंडस्ट्री को किया, आपने रिलायंस को किया, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री को किया, बल्क अमाउंट में है और पैसे फंस गए हैं आपको कोई कारण से, आपकी क्वालिटी के बारे में कोई इशू निकाल दिया उन्होंने, पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, बाद में ये खराब है वो खराब है, ये बोल के आपके पैसे कैसे, छोटी इंडस्ट्री की पूंजी बहुत लिमिटेड होती है और अगर उनके पैसे फंस जाए तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री तो क्लोज होने की कगार पे आ जाएगी ना। तो उसके लिए एक समाधान योजना चल रही है जिसकी डिटेल्स भी आपको समझाए जाएंगे आज चेंबर में। देन आई थिंक ये इस तरीके से करीब करीब मोटा मोटा इसमें आज के आगे का लुक फॉरवर्ड टू फुल इंडिया से। आई थिंक वी हैव द प्रेजेंटेशन ऑन फूड इंडिया शो, मैं मोटा मोटा बताना चाहूंगा आपको कि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए मुजर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज की हुई है जो 16 से 18 जनवरी के बीच में है, और यहाँ पर इट इज अ बी टू बी इवेंट। इट इज बी टू बी का मतलब ये जनरल कंज्यूमर के लिए कोई प्रदर्शनियाँ जैसी होती हैं वैसी प्रदर्शनी नहीं है, ये उद्योजकों के लिए प्रदर्शनी है कि आपको नई टेक्नोलॉजीज, नई मशीनरीज, उनके फाइनेंसिंग, उनका वो सारा जो है कंप्लीट, ये पूरा आयोजन 3 दिन का किया गया है, मिहान में इसका आयोजन है और 16, 17, 18 जनवरी में है। हम बाद में आपको उसके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट, बट आपकी सब जानकारी के लिए कि आप ये आज के वर्कशॉप में जो इनपुट आपको मिलेंगे उसके अलावा वहाँ आप एग्जीबिशन में अगर आप विजिट करते हैं much more, much in-depth knowledge about technologies, machineries, and you get to meet a lot of authorities from the processing sector. There are conference sessions we have organized, seminars organized, and we have to meet with them. So, in shabdo ke saath, aap sabka swagat karte hain. Aaj ka ye jo aayojan hai, isme dikhi ke hamare adhikari upasthit hain, unhone aisa parishram kiya hai, kaafi dinon se khade hue hain, Delhi, Bombay, daud bhaag karke, or they are all here with this program for you. We have already been introduced about other industries on the dais here.
So I once again welcome all the dignitaries who are going to be the resource persons for you for this workshop. And all of you, let's look forward to a very meaningful session till lunch today. Thank you. थैंक यू सर. जो भी हमारे विक्की की तरफ से आए हुए जितने भी नए एंटरप्रेनर है, मैं उन लोगों को एक विशेष बताना चाहूंगा कि विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये एसोसिएशन जो है पूरे विदर्भ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की अपेक्स बॉडी है. और मेन यानी आपने आप देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो है अभी ये भी ये सोच रही है कि सभी समाज के तबके से, सभी समाज से एंटरप्रेन्योरशिप आगे आना चाहिए. जैसा बाकी समाज में है वैसे दलित समाज से भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलना चाहिए. और वही सिलसिले में पांडे साहब ने हमको ये पूरा यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए तैयार की है, दी है. इसके लिए मैं विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का विशेष आभार प्रकट करता हूँ. सर, आपने जैसा बताया कि ये जो 100 डेज प्रोग्राम है, इसमें महाराष्ट्र के जो 100 डिस्ट्रिक्ट है आउट ऑफ इंडिया में जो 100 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं, सांगली, धुले और नागपुर. और जैसा आपने बताया कि नागपुर को फूड डिस्ट्रिक्ट करके डिक्लेयर किया गया है. पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी इसको आइडेंटिफाई किया है. तो ये अपने लिए, नए लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फूड सेक्टर में अपना कैरियर बनाने की, फूड सेक्टर में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. आगे मैं मेरे प्रेजेंटेशन में जो सपोर्ट सिस्टम है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, जो सब्सिडी असिस्टेंट है, वो बताऊंगा. अभी इस प्रेजेंटेशन की सीरीज में पीडब्ल्यूसी से आए हुए हैं सुधांशु बोरा जी. उसके पहले मैं यहाँ पे डिग्नेटरी हमारे बीच में आए हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल मैनेजर श्री विजय कामले जी आए हुए हैं. मैं अभिजीत से चाहूंगा कि उनका कुछ कुछ से देकर स्वागत करें. उसी तरह बैंक ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर चंद्रिका पुरे साहब आए हुए हैं, उनका भी एक कुछ कुछ से देकर स्वागत करें. बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे सर आए हुए हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा सर, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. आपने देखा कि इंडस्ट्री आपके साथ में है, बैंकर्स आपके साथ में है, सारी गवर्नमेंट मशीनरी आपके साथ में है. तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा माहौल है एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आने के लिए. तो मैं अभी सुधांशु बोरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ प्रस्तुत करें. Very good afternoon, sorry, in fact, good morning to all of you. I am Sudhanshu Bora. I work with a company by the name PricewaterhouseCoopers, PwC करके company का नाम है. Thank you, Pandey sir, for the kind words, Chelke sir. And all the esteemed guests here on the panel as well as sitting here. It's indeed a very good opportunity. I deem it as an exciting opportunity and good times ahead. जैसे सर ने भी बताया, पांडे सर ने, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 100 डेज का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत क्लियरली डिफाइंड डिलीवरेबल्स हैं, जिसमें मेन फोकस है एमएसएमई सेक्टर.
और इतफाक से कुछ टाइम पहले से ही पिछले तीन चार महीने से हम लोग, मेरी एक कंसल्टिंग कंपनी है हम लोग जिसमें काम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ क्लोजली हम लोग एक इसी विषय पे काम कर रहे हैं जिसका एंड ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिसके नाम है महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट मिशन। तो ये बड़ा ही अच्छा इतफाक है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक ऑलरेडी इनिशिएटिव कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक सिमिलर इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। तो ये दोनों का जो कॉन्ग्रुएंस है, दोनों का जो मिलाप है, इससे बहुत सारा सिनर्जी डेवलप हो सकती है और काफी चीजें फास्ट ट्रैक मोड में हो सकती है। तो इसी इंट्रोडक्शन से मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा जिसमें मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि हम लोग किस टाइप का प्रोजेक्ट से स्टार्ट